शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सच में ये वीडियो देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए, पत्थर दिल भी जख्मी हो जाए। झकझोर कर रख दिया है इस मासूम और छोटी गुड़िया ने, ये जज्बा दिखाया है कर्नल मनप्रीत के बेटे और बेटी ने। बेटा सेना की वर्दी में अपने शौर्यवीर पिता को अंतिम सैल्यूट कर रहा है। जिसने भी ये वीडियो देखा वो सिसक उठा। कर्नल मनप्रीत सिंह बुधवार को आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। आज शहीद कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचा, जहां लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोग उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा तो भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। कर्नल मनप्रीत अमर रहे के उद्घोष लगने लगे। अब ये तस्वीर देखिए, ये शहीद कर्नल मनप्रीत की पत्नी है। अपने शहीद पति के पार्थिव शरीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और सिसक रही हैं। इनके दर्द को ना महसूस किया जा सकता है और ना ही किसी कलम से इनके दर्द को कागज पर लिखा जा सकता है। ये एक पत्नी की चित्कार है, काल के कलेजे को भी कुरेद जाए। इन आंसुओं का हिसाब देश कभी चुकता नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पत्नी ने पति खोया है, बेटे ने बाप को खोया है, माँ ने बेटा खोया है। फिलहाल शहीद मेजर मनप्रीत को अंतिम विदाई दे दी गई है, वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सच में आज धरती माँ ने भी रो दिया होगा। शहादत की एक और तस्वीर देखिए, परिवार में बेबसी है, बेचैनी है, लेकिन इस गम में एक गर्व का पल भी है। मेजर आशीष का जैसे ही पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर पहुंचा तो क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी लोगों ने कतार में खड़े होकर तिरंगा लेकर उनकी शहादत को याद करते हुए मेजर आशीष अमर रहे के जयकारे लगाने लगे। सभी लोगों ने अपने इस लाल को नम आंखों से विदाई दी। मेजर के इस बलिदान को नमन करते हुए सबकी जुबां पर एक ही नारा था, मेजर आशीष अमर रहे। वही मेजर आशीष की मां ने जो शब्द कहे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं रोऊंगी नहीं, वो मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा था। अब इस पिता की खामोशी को सुनिए। बेटे के शहीद होने पर पिता पूरी तरह टूट चुका है, चलने तक की हिम्मत नहीं है। दो लोग पकड़कर बेटे के जनाजे में लेकर जा रहे हैं। ये शहीद डीएसपी मेजर हुमायूं भट्ट के पिता हैं। एक पिता का कलेजा बेटे की शहादत से फट चुका है, तड़प रहा है, बेचैन है। इनके दर्द को भी दुनिया की कोई ताकत महसूस नहीं कर सकती। इनके चेहरे को देखें तो भाव भंगिमा शून्य है, लेकिन क्या करें, इस क्रूर विधान पर बस किसका चलता है, किससे जवाब मांगा जाए। खैर, पूरा देश इनकी शहादत का कर्जदार है। न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल इस शहादत को भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करती है।